और आइए सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी के समरसता सम्मेलन में, जहां अमित शाह बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी हरिद्वार के सांसद श्री रमेश पोखरियाल जी, सांसद श्री तरुण विजय जी, विधायक श्री मदन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री अनिल बलूनी जी और हरिद्वार के महापौर श्री मनोज गर्ग जी, उपस्थित विधायकगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और पूजनीय संतगण, आज 14 अप्रैल वैशाखी का दिन और आज 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है और आज 125वां जन्मदिन उनका है। आज के ही दिन बाबा साहब ने जन्म लिया था और वो महामानव के कारण ही आज भारत अटूट अखंड बनकर आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज के ही दिन प्रधानमंत्री जी मऊ में गए हैं, जहां बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म स्थान है, वहां जाकर वो उनको श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बाबा साहब की स्मृति में ही आज से 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जो पंचायत दिन होता, प्रधानमंत्री जी मऊ में गए हैं, जहां बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म स्थान है, वहां जाकर वो उनको श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बाबा साहब की स्मृति में ही आज से 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जो पंचायत दिन होता है, ये 10 दिन ग्राम उदय से भारत उदय एक अभियान की शुरुआत केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ग्राम उदय से भारत उदय का नारा सुनने में तो बहुत संक्षिप्त नारा है, मगर ये नारा बहुत बड़ा नारा, क्योंकि जब तक गांव का उदय नहीं होता, गांव के अंदर विकास नहीं पहुंचता, गांव के अंदर सभी सुविधाएं नहीं पहुंचती, गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति जो विकास की छोर में अंतिम जगह पे खड़ा है, उसका विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए ग्राम उदय से भारत उदय का ये नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के बीच में आज के दिन जा रही है। मित्रों, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, अत्यंत गरीब परिवार में हुआ, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीते जीते बाबा साहब ने उस वक्त के समय में जो उपलब्ध थी वो सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अपने संघर्षशील जीवन का एक नमूना दिया। और उस वक्त जब देश आजाद ही हुआ था और अंग्रेज जाते जाते कहते थे कि 350 से ज्यादा राजे रजवाड़ों में बटा हुआ यह देश कैसे चलेगा, कैसे एक होगा, सभी को स्वतंत्रता देकर वो चले गए, अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा। उस वक्त दो व्यक्तियों ने इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए काम किया, राजकीय रूप से भारत को एक बनाने का काम किया, सरदार पटेल ने, जिन्होंने देश भर की 365 रियासतों को एक करकर भारतीय संघ की रचना की और आज हमारा जो भारत का मानचित्र है वो अस्तित्व में आया। और दूसरा महान काम किया बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान के रूप में एक ऐसी एक सूत्रता इस देश के अंदर लाई, ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी भाषा, सभी प्रांत एक होकर
एक अखंड भारत के नाते एक लंबी आयु, एक लंबा सफर काट सके और भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके, इस तरह का संविधान बनाने का काम बाबा साहेब आंबेडकर ने किया। और मित्रों, जिन्होंने भी सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया है वो सभी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि दुनिया के सारे संविधानों के अंदर सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर किसी एक देश का है तो वो हमारे भारत देश का है। इस तरह का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया और उन्होंने संविधान के निर्माण के साथ साथ जागृति की एक आहवान जगाई, दबे कुचले पिछड़े शोषित सभी लोगों को एकजुट करकर उनके अधिकारों का बोध दिया, उनके अधिकारों की जानकारी दी और उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और समाज को भी इस तरह से तैयार किया कि समाज के अंदर से समरसता का वातावरण खड़ा हो और जो दबे कुचले शोषित है वो भी आगे आए और पहले विकास की पंक्ति में पहली नारी को दिखाई दे। और वो उन्होंने शुरू किया हुआ अभियान आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि सफल होने की कगार पर खड़ा है। मित्रों, बाबा साहब के जीवन में बहुत सारा संघर्ष हुआ। आज रात में भी परिदृश्य देखे तो बाबा साहब के नाम से काफी लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे हैं, मगर जीवन भर बाबा साहब जी बात के लिए संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी उसका स्थापना का मूल उद्देश्य ही वही है, अंत्योदय। समाज के अंतिम में अंतिम, अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय करना, इस आशय के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है और इसीलिए बाबा साहब के सिद्धांतों को सात अर्थ में किसी ने ग्रहण कर अपनी पार्टी की नीतियां बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए इतने सालों से बाबा साहब के जीवन के महत्वपूर्ण जो स्थान थे वो स्थान को कभी कांग्रेस के शासन में कोई महत्व नहीं दिया गया। लगभग 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पूरी शासन व्यवस्था कांग्रेस के हाथ में थी, मगर बाबा साहब की स्मृतियां जिस स्थानों के साथ संजो कर रखी गई थी उस स्थानों का उद्धार करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया, मगर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों का उद्धार करने का काम किया और उनको स्मारक में तब्दील कराने का काम किया। मित्रों, उनकी जन्मस्थली मऊ, वहां पर भी जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई तब वहां पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया जहां आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर गांव गए से भारत उदय तक का नारा वहां संचार करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। उनकी शिक्षा भूमि लंदन, उसको भी अभी अभी महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने मिलकर वो स्थान को अधिग्रहित किया, उसको खरीद लिया और वहां पर बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ से शुरू हुआ। उनकी संकल्प भूमि वडोदरा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही, गुजरात सरकार ने ही, जब अभी के प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई के हाथों से उसके उद्धार का काम किया। दीक्षा भूमि नागपुर, जब शिवसेना भाजपा की सरकार थी और नितिन गडकरी जी वहां के मार्ग मकान निर्माण मंत्री थे तभी दीक्षा भूमि नागपुर का भी उद्धार किया गया और वहां एक सुंदर स्मारक बनाया गया। परिनिर्वाण भूमि दिल्ली, उसको भी अभी अभी 26 अलीपुर रोड पर जो उनका निवास था जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली उसको भी अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्मारक बनाने के लिए अभी जगह ले ली है और काम चालू हुआ। समाधि भूमि दादर, इंदू मिल की जमीन को
भारत सरकार ने अधिग्रहित करकर 200 करोड़ के खर्चे से बाबा साहब का स्मारक बनाने की शुरुआत वहां पर कर दी गई। मित्रों, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैंने कहा इस तरह से 50 साल तक कांग्रेस इस देश में शासन कर रही है, मगर दलित घर में जन्मा हुआ बच्चा संघर्ष कर शिक्षा प्राप्त करता है, अर्थशास्त्री बनता है, अच्छे से अच्छा बैरिस्टर बनता है और देश के संविधान के निर्माण संकलन समिति का अध्यक्ष बनकर संविधान देता है, उसको भारत रत्न देने की फुर्सत कांग्रेस के शासन को कभी नहीं मिली। उनको भारत रत्न भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तभी उनको भारत रत्न देने का काम किया गया। मित्रों, नहीं किया, हमें करने का मौका मिला, इसलिए हम कर पाए वो काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, कई सारे काम इस तरह के जो बाबा साहब की स्मृति में करने थे वो करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों को मिले। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मानती है कि अगर भारत का उदय करना है, भारत को आगे ले जाना है, भारत के जन जन तक सभी सुख सुविधाओं को पहुंचाना है, तो तभी कुछ ने शोषितों को आगे ले जाए बगैर नहीं हो सकता, गांव को आगे ले जाए बगैर नहीं हो सकता। जब तक गांव का विकास नहीं होता, भारत का विकास कभी नहीं हो सकता। ये मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है। मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बजट के अंदर और एक 2 साल के कार्यकाल के अंदर कई सारी ऐसी योजनाएं लाए हैं जिससे ग्रामीण विकास को बल मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब तक सबसे ज्यादा राशि का आवंटन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गांव को 80 लाख रूपया देने की घोषणा की, हर कस्बे को 21 करोड़ रुपया विकास के लिए देने की घोषणा की है। दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हर गांव में 2022 तक 24 घंटा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिया है। और 15,000 गांव ऐसे थे कि आजादी के इतने सालों के बाद भी वहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी है। 5500 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और मई 2018 तक 15,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब तक बेरोजगारों को हम रोजगारी नहीं दे सकते, हमारा विकास का स्वप्न अधूरा है। लंबी बेरोजगारी की फौज लेकर कोई भी देश विकास के रास्ते पे आगे नहीं चल सकता। लंबी बेरोजगारी की फौज लेकर कोई भी देश विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देख सकता। लंबी बेरोजगारी, तो अमित शाह समरसता सम्मेलन में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का वादा सरकार की तरफ से किया गया है। अमित शाह ने समरसता सम्मेलन का उद्घाटन किया, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल बाबा साहब की 125वीं जयंती पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है और बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों को अमित शाह ने याद किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं।